फ्रेंड्स, जय महाकाल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीडियो हमने रिसेंट में पोस्ट करी है और बैंक निफ्टी में निफ्टी में कुछ अलग ही तरह का पैटर्न, मतलब इन द सेंस कहें कि भाई एक छोटा सा गैप है जो जरा सा फील कर देगा ना दोस्तों, तो रॉकेट की तरह बढ़ जाएगा। बट हम उसको साथ साथ वो भी देखेंगे कि भैया निफ्टी के ऑप्शन चेन में किस तरीके का बिहेवियर आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भैया किस तरीके से क्या पैटर्न ऊपर उठ के आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए। साथ में आप डेली बैंक निफ्टी के कॉल्स पर ट्रेड हमारे साथ कर सकते हैं। आज भी हमने एक कॉल पहले दिया था, वो 100% रिटर्न हुआ, उसको कहेंगे 2000 रुपये। तो अगर आप 1000 से 2000 रुपये भी कमाना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके आप आइए, फिर आप हमारे साथ अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। और मैं यहाँ पर इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ कि भैया जितना हो सकता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, चाहे कोई मुझे हेल्प कर रहा हो नहीं कर रहा हो, चाहे मेरी वीडियोज़ को कोई शेयर कर रहा हो नहीं कर रहा, इट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया दोस्तों, ये सब आप पर डिपेंड करता है। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके आइए, 9022618 90 पर कांटेक्ट कीजिए। मैं दीपक अग्रानी, माहेश्वरी, NISM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड। तो आपका पैसा इक्विटी में बन सकता है और बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप अकाउंट ओपन कीजिए और साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मेहरबानी करके घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन लोगों को प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण आपको वीडियोज नहीं मिल पा रही दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं भैया कि ये जो पैटर्न तो ख़त्म हो गया, बट अभी क्या है दोस्तों, एक बड़ी शार्प गिरावट जो कि बजट के बाद आई। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि भैया एक पहले का सपोर्ट लेवल काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 डेज से काम कर रहा है, और दूसरा एक गिरावट के बाद में भी आज उसने क्लोजिंग तो बहुत ही, मतलब आप समझोगे इस कैंडल को ज़रा सा मैं बड़ा करूँ तो आप सिर्फ इस कैंडल को गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैंडल का मोर देन, मतलब ये सिर्फ 25% पोर्शन ही नीचे की साइड ऊपर की साइड रह गया, 75% तो उसने ऊपर वापस कवर कर लिया। दैट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ, मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू क्या बोलते हैं, ऑप्शन में जो लोगों जो सेलर बैठे हैं वो राइट कर रहे हैं कॉल्स को, और नीचे पुट में भी नीचे सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट में ये एक सिनारियो ही बन रहा है जिससे कि ना मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आज इस निफ्टी ऑप्शन, ये निफ्टी 50 है दोस्तों, ना कि फ्यूचर है, बट आप इसका लो देखेंगे तो आपको अराउंड 532 और हाई 618 है ना, 100 पॉइंट के इसमें ही ये गेम होता हुआ दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है वो मैं आपको ज़रूर अभी ऑप्शन के माध्यम से समझा देता हूँ। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे ऑप्शन के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देखिए, वहाँ पर हमने 9600 फ्री ऑफ कॉस्ट बालकृष्णा में प्रॉफिट कराया, 35% के आसपास आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, यानी 20 रुपये से 27 रुपये हो गया, ये पर डे का प्रॉफिट है दोस्तों, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसके लिए आप बिल्कुल भी कुछ हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहे, बट हम ज़रूर आपकी कर रहे हैं दोस्तों। 30,570 पे सेल ऑप्शन बैंक का सेल कॉल था और सारे के सारे टारगेट हिट हो चुके हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से ये देखिए, इवन आप यहाँ SRF का फ्यूचर देखेंगे, हमने सेल करने को कल कहा था, आज का लो देख लीजिए दोस्तों। तो ये और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर टाइटन के भी सारे के सारे टारगेट हिट दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप जरा भी हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम और मोटिवेट हो और इसी तरीके की वीडियोस और इसी तरीके की टेलीग्राम चैनल पर आपको सपोर्ट करें, तो दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज मे बी आई विल नॉट कंटिन्यू, बिकॉज क्या है, सपोर्ट मिलेगा तो ही सपोर्ट करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आदमी डीमोटिवेट होने लगता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मैं अपना पैसा छोटा भी कमा लूँगा तो कमा लूँगा, बट आप अगर मेरी वजह से आपको या आपके सहयोग से आपको पैसा बन जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों चलिए, अब ये हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं और समझते हैं कि भैया ऑप्शन चेन में किस तरीके का व्यूज़ है। तो मैं हम चलिए अब देखिए ये जो आप जो देख रहे हो, ये 18 जुलाई का ही ये सारा जो भाव ताव देख रहे हो, अभी 18 जुलाई का है और 18 जुलाई को आप 18 जुलाई की एक्सपायरी का है। तो अगर हम 18 जुलाई के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को देखें जो कि आने वाली एक्सपायरी में काम आ सकता है, तो देखेंगे आप यहाँ पर ही देखिए 17,26,875 रुपये का ओपन इंटरेस्ट है, और नए जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट में शेयर चेंज हुआ है वो 5,19,825 का हुआ। साथ में अगर आप यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन को देखेंगे तो 20,32,275
₹70 का ओपन इंटरेस्ट हायर साइड में बिल्डअप हुआ, और ये दोनों वजह है कि भैया यहाँ पर पुट में बायर है, यहाँ पर कॉल राइटर्स है, और मार्केट यहाँ पर स्टक हो चुका है इन दोनों रेंज के बीच में दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं आ सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इन सिंपल वे में कहेंगे कि भैया ये मार्केट नीचे जाने नहीं देगा 11700, लग तो ऐसा ही रहा है 11500 के नीचे, बट उसके अलावा भी अगर कुछ हो सकता है तो वो क्या होगा हम इस हमारे चार्ट के व्यू से समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं चार्ट के व्यू पर। चार्ट के व्यू पर जाने से पहले आप देखेंगे, देखिए ये जो आपको वे दिख रहा है ये एक हायर मीन्स हायर साइड जाने का व्यू दिख रहा है, बट यहाँ पर एक आपको एक रेसिस्टेंस शो कर रहा है। अब रेसिस्टेंस खतरनाक भी है क्योंकि जब भी ये पोर्शन बना था तभी एकदम से इसने ये देखिए रेड ग्रीन और रखे गया था। इसी तरीके से अगर ये प्रेशर से टूट जाता है, दैट मीन्स कि अगर वो 11600 के ऊपर निकल जाता है, तो मैं इन सिंपल वे में कह रहा हूँ कि अगर आपको 11610 मैं अगर चलिए हम बात करते हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कि अगर आपको 11620 के ऊपर ऑप्शन कॉल सॉरी ये फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स मिलेगा तो आप उसको ट्रेड कर लीजिएगा 11637 के लिए और 40 के भाव के लिए, साथ ही साथ 11650 के लिए, साथ ही साथ 11675 के लिए और 11700 के लिए। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, बने रहिएगा क्योंकि हम इसमें एक वीक लॉन्ग पोजीशन भी ड्राइव करना चाहते हैं कि भैया अगर ये कटा तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको क्या रखना पड़ेगा, मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर देता हूँ। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 11560 के नीचे, करीबन 60 पॉइंट के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं बाय में। बट अगर आपको ये सेल मिले, अब दोस्तों ये हो सकता है कि मे बी दिस विल नॉट एबल टू क्रॉस दिस, और अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता है दोस्तों तो फिर क्या होगा दोस्तों, तो अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया तो हम नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं, और नीचे जाने की कोशिश में हम वहीं सेल कॉल देखेंगे कि भैया सेल, तो 11580 से 75 के नीचे अगर सेल कॉल अगर मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो 503 का भाव देखना पड़ेगा, और जो स्टॉप लॉस है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस होगा 11630 के ऊपर, और नीचे के टारगेट होंगे 11480 तक, क्योंकि जब आपको ये सपोर्ट देगा 11500 के आसपास, ठीक है दोस्तों। अब इसका लॉन्ग कैसे होगा और ये लॉन्ग कहाँ जा सकता है वो देखने की ज़रूरत है कि भैया अगर हम इसको पोजिशनल ट्रेड कर जाएं, तो पोजिशनल ट्रेड कर जाएं तो क्या मिल सकता है दोस्तों। ये जो कंटिन्यूएशन में ट्रेड आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको मतलब ये कंटिन्यूएशन में ट्रेड आ रहा है, तो ये जो ट्रेड है ये ट्रेड बस यहाँ पे पास आउट करने की ज़रूरत है। अगर ये पास आउट कर देता है तो स्टॉप लॉस तो आपके सामने ही है दोस्तों, सिंपल है, क्योंकि नीचे में अगर पुट सपोर्ट नहीं करेगा देन बहुत ज़्यादा तेज गिरावट भी आ सकती है, बट अगर ये सपोर्ट करता है तो आपको आपका काम हो सकता है और आपको इसका फ़ायदा उठाने को मिल सकता है। तो हम सिंपल वे में कहेंगे कि भैया 11660 के लेवल्स आ सकते हैं, 11722 के लेवल आ सकते हैं, 11800 के लेवल आ सकते हैं, 11900 के लेवल आ सकते हैं। अगर 11610 के ऊपर यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल के ऊपर ये टिकने की कोशिश करे तो आपको 11000 या 12000 के लेवल भी आ सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों वो होगा इन द सिंपल वे में, आपको मैं सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो स्टॉप लॉस होगा आपका 11480 के नीचे आप सिंपल वे में ये पोजिशनल ट्रेड में करें, या फिर ये फर्स्ट स्टॉप लॉस है। अगर आपको इसको स्टॉप लॉस नहीं समझ में आता है, मतलब ये थोड़ा हल्का लगता है, तो फिर आप 11450 के नीचे पोस्ट कर सकते हैं और ये सारे टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। कृपया करके वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए आप अगर वीडियोस को शेयर कर देते वो ही बहुत बड़ी बात होगी, और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और नोटिफिकेशन मिलने के कारण आपको हमारे साथ जो दी जाने वाली चीज़ें, चाहे वो टेलीग्राम पर हो या चाहे
यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, क्योंकि हम रोज डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर आपको इंट्राडे के बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स पोस्ट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।